हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा लॉ क्लासेस। और इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दो चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, रीचेकिंग से रिलेटेड हैं, और आफ्टर एग्जाम की चीजें हैं। मतलब जैसे कि एक तो हम बात करेंगे आरटीआई पर, और दूसरा हम बात करेंगे रीचेकिंग एंड स्क्रूटनी पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीआई पर। मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिए और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो पहले जो तरीके थे वो काफी पेचीदा थे, या इजीली आपको मतलब कॉपी आपकी नहीं मिल पाती थी। लेकिन आरटीआई आने के बाद और कोर्ट के और सीआईसी के कुछ डिसीजंस के बाद अब आप इजीली अपनी कॉपी, अपनी जो आंसर शीट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, वो आपको चाहे तो आप उसकी कॉपी लेना चाहे तो कॉपी मिल सकती है, और अगर आप उसको खुद देखना चाहते हैं तो आप उसको खुद देख सकते हैं। करना क्या है आपको इसके लिए, आपका जो भी कोड है, जो भी सब्जेक्ट कोड है, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे रजिस्ट्रार ओब्लिक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीसीएस यूनिवर्सिटी को, और उसके साथ जो भी फीस है 10 रुपए की जो फीस होती है वो देंगे, और जितने कोड हैं आपके, मतलब अगर आपको केवल कॉपी देखनी है तो केवल वही फीस पर्याप्त है, और अगर आप उसकी फोटोकॉपी चाहते हैं उस कंडीशन में आपको 10 रुपीज तो वो हो गए फीस के, इसके अलावा 32 पेजेस जो है वो कॉपी में होते हैं। अब जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की कॉपी आ रही है इंटू टू, मतलब 64 रुपीज आपको पर कोड के हिसाब से आपको जो इलाहाबाद बैंक है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वहां पर आपको ये पैसे जमा कराने होंगे, और एक एनवलप जिसमें आपका डाक टिकट पर्याप्त जो रेट है उसके डाक टिकट उसमें लगे होंगे, आपका एड्रेस लिखा होगा, और इसके बाद वो जो कॉपी होगी वो आपके घर भेज दी जाएगी। ये तो तरीका हो गया अगर आप कॉपी चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, और या फिर आप बिना जाए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये जो 64 रुपए हैं पर कोड के हिसाब से ये पे करने के बाद। दूसरा तरीका है कि केवल आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर यही है, सेम है, आप आरटीआई डालेंगे और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको एक डेट दी जाएगी, और उस डेट पर जाकर आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं कि कहीं किस तरह की मार्किंग हुई है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट गया जिस पर मार्क्स नहीं मिले, इस तरह की सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अभी भी होती है स्क्रूटनी एक होती थी, और स्क्रूटनी में क्या था, पहले 220 रुपए फीस थी, अब वो फीस जो है वो 250 रुपए कर दी गई है। लेकिन उस स्क्रूटनी में केवल इतना होता था कि आपकी टोटलिंग चेक की जाती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोटल कैलकुलेट करने में कोई इश्यू आ गया हो, तो उसमें अगर टोटलिंग ठीक है इसके अलावा बाकी कोई चीज उसमें नहीं देखी जाती है थी। अब लास्ट ईयर से एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो है आपका रिचेकिंग का। पहले रिचेकिंग का कोई प्रोविजन नहीं था, अब रिचेकिंग का यूनिवर्सिटी ने प्रोविजन किया है, और इसके लिए आपको क्या करना है, पर कोड जिसमें भी आप रिचेकिंग चाहते हैं उसमें उसको आप पर कोड ₹3000 इसकी फीस रखी गई है पर कोड। आप इलाहाबाद जो बैंक की जो ब्रांच है यूनिवर्सिटी में, वहां पर आप इसकी फीस जमा कराएंगे, और उसके बाद आपकी जो कॉपी है वो रिचेक कर दी जाएगी। लेकिन यहां जो एक बड़ा, मुझे लगता है डिस्प्यूटेड सा एक जो मतलब मुझे लगता है कि ये जो रूल है वो ठीक नहीं है। रूल ये है कि अगर आपके, मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो यूनिवर्सिटी केवल तभी आपके मार्क्स कंसीडर करेगी रिचेकिंग में बढ़ने के बाद जब कम से कम 12 मार्क्स आपके बढ़े हो। तो मुझे कोई लॉजिक किसी तरह का इसमें समझ में नहीं आता है कि क्या लॉजिक है। मान लीजिए कि मैं अगर एक एलएलबी का स्टूडेंट हूं और मेरे 31 मेरे मार्क्स हैं और मुझे 36 चाहिए पास होने के लिए, और मेरे रिचेकिंग में 8 नंबर या 7 नंबर या 6 नंबर बढ़ जाते हैं, 5 नंबर बढ़ जाते हैं, मैं पास हो गया, लेकिन रूल ये कहता है क्योंकि मेरे 12 नंबर नहीं बढ़े इसलिए वो नंबर कंसीडर नहीं होंगे और मेरे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से ये रूल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई इसको हाईकोर्ट में जरूर इसको चैलेंज करेगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये रूल आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता है, आर्बिट्रेरी रूल है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। एक स्टूडेंट अपने 3000 रुपए देकर रिचेकिंग करा रहा है और रिचेकिंग में उसके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो पास नहीं हो रहा, तो फिर रिचेकिंग का क्या फायदा। हाँ, लेकिन अगर आपके 12 या उससे ज्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो फीस है
वो आपको रिफंड कर दी जाएगी 3000 रुपए और आपका रिजल्ट जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। अब इसी तरह का प्रोविजन जो है वो आगरा यूनिवर्सिटी भी करने जा रही है, तो वहां भी लगभग इसी तरह के रूल्स हैं। लेकिन सबसे जो खराब चीज इस रूल में मुझे लगी रिचेकिंग में, अच्छी तो है कि कम से कम पहले रिचेकिंग का प्रोविजन ही नहीं था, आप कम से कम रिचेकिंग में देख सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि जो कॉपी जो है ऊपर से ही मार्क्स दे दिए, अंदर बिल्कुल खाली, कोई कॉपी चेक करी ही नहीं गई, तो ऐसे मामले भी कई सामने आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये रूल यूनिवर्सिटी को रिकंसीडर करना चाहिए कि चाहे किसी का अगर एक मार्क्स भी बढ़े तो अगर वो पास हो रहा है तो उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।